जय हिंद मेरे प्यार दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैथ क्लास फॉर एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत ही सेलेक्टेड विथ शानदार क्वेश्चन लेके आए दोस्तों, जो यूथ बुक का पार्ट 3 लेके आए दोस्तों, और आज फिजिक्स का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें से बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों बन रहे पूरा का पूरा व्यू कीजिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विभव मापी मूलतः एक है, तो क्या है ना, मापन उपकरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से किस उपकरण को विद्युत धारा से मापा जाता है, तो आंसर होगा दोस्तों ना ए मीटर से, ठीक है। ए मीटर क्या है दोस्तों, ना आर्म या ए मीटर किसी परिपथ की शाखा से बहने वाले विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है। बहुत कम या मात्रा वाले धाराओं को मापने के लिए मिली आमीटर यानी माइक्रो आमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आमीटर है क्या, नहीं यह उपयुक्त में सभी है। डैश परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है, में निम्न विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, कम विद्युत खींचता है, और उपयुक्त में सभी, ये आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसको मापने के लिए स्टेलागमोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर होगा पृष्ठ तनाव को मापने के लिए यूज़ किया जाता है दोस्तों। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ना ऑडोमीटर का एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है, तो आंसर होगा दोस्तों ना दूरी मापने के लिए किया जाता है। ना ऑडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ी में क्या मापने के लिए किया जाता है आंसर दोस्तों, तो आंसर होगा ना दूरी मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दो, निम्न में से निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक ऐसा मीटर है, डॉस न पिटार्ड ट्यूब है, ठीक है। टेकोमीटर से क्या मापा जाता है, तो आंसर होगा दोस्तों ना गतिपालक चक्र की घूर्णात्मक चाल मापा जाता है दोस्तों। टेकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है, तो आंसर होगा चक्कर प्रति मिनट मापता है दोस्तों, RPM। मल्टीमीटर में होता है, तो क्या आंसर दोस्तों ना वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर होता है। रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है, तो आंसर डी दोस्तों गलत है। रिएक्टर पैमाने में 8-9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, न तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आंसर होगा दोस्तों ना हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है, हाइड्रोमीटर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पानी के अंदर किस वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर होगा दोस्तों ना सोनार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों, लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है, इसका फुल फॉर्म होता है। एंड रडार का पूछा जाता है दोस्तों, तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग फुल फॉर्म इसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का प्रयोग किया जाता है, तो पानी की गहराई मापने के लिए किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है, तो लैक्टोमीटर से प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अब है हाइड्रोमीटर, ना द्रवों की अपेक्षित घनत्व से मापा जाता है, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता एवं घनत्व को मापा जाता है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, और थर्मामीटर से तापमान का माप किया जाता है दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ना ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो ऑडोमीटर का यूज़ किया जाता है दोस्तों। ना ऑडोमीटर क्या है, ना वाहन द्वारा तय की गई दूरी को बताता है, और टैकोमीटर वायुमान की गति को बताता है, और स्पीडोमीटर वाहनों की गति को बताता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ना किसी वोल्टमीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है, तो आंसर होगा विभवांतर के मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। वोल्टमीटर का आविष्कार 1819 ईस्वी में हैंस ऑरेस्टर द्वारा किया गया था। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ना गैल्वेनोमीटर से धारा की गति के पता लगाने के लिए किया जाता है। गैल्वेनोमीटर किसी परिपथ के विद्युत धारा की दिशा को पता करता है। धारावापी से संट का प्रयोग करके इसे अमीटर की तरह प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डैश वह उपकरण है जिसका उपयोग मीटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है, तो ऑडोमीटर का यूज़ किया जाता है। स्पीडोमीटर से वाहनों की गति मापने के लिए किया जाता है। एंड ऑडोमीटर से वाहन से में दूरी मापने के लिए किया जाता है। एंड टेकोमीटर का वायुवान और मीटर नाव की गति मापने के लिए किया जाता है।
एक्सेलोमीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों? न त्वरण मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, डैश वाहन की गति जानने में मदद करता है, तो आंसर होगा स्पीडोमीटर। वाहन की गति जानने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग वोल्टमीटर यंत्र परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापता है। लैक्टोमीटर से दूध के अपेक्षित घनत्व या गाढ़ापन को मापा जाता है दोस्तों। इकोलोकेशन क्या है? तो इकोलोकेशन दोस्तों सोनार है, ठीक है, इससे क्या होता है ना, सोनार माप किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो वोल्टमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, न उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहला से संबंधित है। तो विद्युत धारा से एमीटर मापा जाता है, तो ओम मीटर जो होता है दोस्तों न प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध से, ठीक है। लिखा हुआ है जिस प्रकार एमीटर से विद्युत धारा की माप की जाती है उसी प्रकार ओम मीटर से प्रतिरोध मापा जाता है। डैश का प्रयोग हवा की शक्ति में वेव को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो एमिनोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। मोटर गाड़ी का ऑडोमीटर क्या मापता है? तो दूरी मापता है, ठीक है। एंड सभी उपकरण का यंत्र और उपयोग दिया हुआ दोस्तों। ऑडोमीटर से क्या होता है ना, वाहनों के पहिए द्वारा तय की गई मापक यंत्र होता है दोस्तों। और पायरोमीटर क्या होता है ना, उच्च ताप मापने वाला यंत्र होता है। और डायनोमीटर से क्या होता है ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का यंत्र होता है। और इलेक्ट्रोमीटर से क्या होता है ना, विद्युत ऊर्जा को यंत्र ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण है। और नेक्स्ट है दोस्तों, ऑडियोमीटर से क्या होता है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला हेतु प्रयुक्त यंत्र है। और कार्डियोग्राफ से क्या होता है ना, मनुष्य की हृदय गति को अभिलक्षित करने वाला उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यांत्रिकी से मैकेनिक से यानी वर्क इसका पहला है कार्य से संबंधित क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है? तो दोस्तों कार्य का होता है केवल परिणाम, दिशा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है? तो आंसर होगा बंदूक की चलती हुई गोली अधिक काम कर सकता है। कार्य में क्या है? तो कार्य कोई दिशा नहीं होता है, केवल परिणाम होता है। अब फॉर्मूला इसमें ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है दोस्तों, न 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापन कर देता है तो 20 जूल कार्य करता है, तो बल और विस्थापन के बीच कौन है ये निकालना दोस्तों। इसका फॉर्मूला याद रखना दोस्तों ना, W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, ठीक है। तो W मतलब कार्य और कार्य का जूल में होगा, तो यह 20 जूल है, तो यहाँ लिखना है दोस्तों ना 20 जूल। और F मतलब न्यूटन, न्यूटन का मान कितना है ना, 20 न्यूटन है, तो इसलिए लिखेंगे हम 20। और डिस्टेंस यहाँ दिया हुआ दोस्तों 2 मीटर, तो डिस्टेंस 2 मीटर लिखेंगे, यहाँ कॉस थीटा होगा दोस्तों। अब ये 20 से 20 कट जाएगा, कितना होगा ना 2, तो फिर 2 नीचे चल जाएगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ना 1/2। अब ना कॉस थीटा इक्वल टू होता है ना 1/2, कॉस कितना डिग्री का मान, 1/2 होगा, तो कॉस 60 डिग्री का मान होगा। इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों ना, कॉस और कॉस कट जाएगा, तो थीटा का मान 60 डिग्री होगा, तो इसका आंसर तो होगा दोस्तों ना 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं ईजी से और आसानी से। एक पोर्टर जमीन पर 12 kg सामान उठाता है और उसे जमीन में 1.5 मीटर अपने सिरों पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा तय की गई कार्य का गणना करें। तो इसका कार्य का डब्लू फॉर्म हो जाएगा इस स्थिति में MgH। M मतलब द्रव्यमान kg में होगा, G का मान 10 होता है और H का मान हाइट में होगा दोस्तों। तो यहाँ सब दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, M का मान और G का मान 1.5 मीटर दिया हुआ है। अब क्या करना दोस्तों ना, 12 × 10 × 1.5, तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये 10 और 10 नीचे कट जाएगा, तो 12 और 15 को गुणा करेंगे तो 180 होगा। और कार्य का ऐसे मतलब जूल होता है, इसलिए आंसर में जूल होगा, तो 180 जूल, ठीक है। अब क्या है दोस्तों ना, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो किया गया बल ज्ञात कीजिए। एफ निकालना है दोस्तों, तो किया गया कार्य इक्वल टू बल इंटू दूरी होगा, और कार्य का मान 20,000 दिया हुआ है, बल इंटू 4000, 4000 से काटा देंगे दोस्तों, तो 5 न्यूटन होगा, क्योंकि बल का मात्रा न्यूटन होता है, इसलिए न्यूटन में होगा दोस्तों। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति को डैश में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो आंसर क्या होगा, जैसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में उस बिंदु पर उठाने के लिए किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट फिश
फिर से न्यूमेरिकल दोस्तों, ना 1 kg की वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई पर उठाया जाता है तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड लेना है और वर्क इजकल टू mgh हो जाएगा। m का 1 दिया हुआ है, h का मान 10 दिया हुआ है और g का मान 9.8 लेना है दोस्तों। तो वर्क इजकल टू क्या हो जाएगा, ना 1 × 9.8 × 10, तो यहाँ 1 हटाएंगे तो यहाँ नीचे 10 हो जाएगा, 10 10 कर जाएगा तो 9.8, और वर्क का मतलब जूल होता है इसलिए जूल। यदि विस्थापन बल की दिशा विपरीत होता है तो कार्य ऋणात्मक है, अतः वर्क इजकल टू माइनस जूल होगा, यानी यहाँ जो जूल होगा वह माइनस में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ए नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब ध्यान देना है। एक कुली जमीन पर 20 केजी का सामान उठाता है और जमीन पर 2 मीटर ऊपर उठाने ऊपर अपने सिर पर रखता है, सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो यहाँ भी एम यूज़ करेंगे mgh, m का मान 20 और g का मान 10 होता है और h का मान 2 मीटर दिया हुआ है, तो 20 × 40 और 10 400 जूल हो जाएगा वर्क का मात्रा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब एक वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर एक बल के साथ 1 न्यूटन बल के साथ द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी, ये निकालना है दोस्तों। तो इसका भी यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा, कार्य इजकल टू बल गुना विस्थापन की दिशा में, बल की दिशा में विस्थापन, यानी 1 × 1, तो कार्य का ऐसे मतलब जूल में हो जाएगा 1 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या है। तो जब व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर खड़ा है तो उसके द्वारा कार्य जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि जब खड़ा होता है तो उसके बीच में 90° का कोण बनता है, तो कॉस 90° का मान 0 होता है, इसलिए जो भी न्यूमेरिकल का मान दिया रहता है उसको 0 से मल्टीपल करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब है ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ना 4.0 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5.0 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है, इसके गति 10 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ा देने से इस पर किया गया कार्य क्या होगा। तो वर्क का फॉर्मूला होता है दोस्तों, ना 1/2 m, यानी गति ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, कार्य इक्वल टू हो जाएगा 1/2, और क्या होगा ना v2² - v1² तो यहाँ m का मान दिया हुआ है 4, तो 4 लिखेंगे तो 10² = 100 और 5² = 25, 125 × 75 होगा, 75 ये दो दूसरे काट जाएगा तो 75 को 2 से गुणा करेंगे तो 150 जूल हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा ना 150 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिति से गिराया जाता है तो यह 2 मीटर की दूरी से गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, स्थिति ऊर्जा mgh हो जाएगा, m का मान 0.1, g का मान 9.8 और h का मान 2 हो जाएगा, तो यानी 1.96 जूल हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य 0 होगा यदि उसका विस्थापन क्या होगा ना 0 होगा तो। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो इसका न्यूमेरिकल में आंसर हो जाएगा ना w = mgh, m का मान 120, g का मान यहाँ कितना लेना है, जी का मान यहाँ लेना ही नहीं है और एच का मान 2 लेना है दोस्तों, कितना हो जाएगा बाद में 24, 240 जूल हो जाएगा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं ना, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि कार्य की मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है, लेकिन बी सी और डी सभी में कार्य हो रहा है दोस्तों। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो ऐसा होता है दोस्तों। निम्नलिखित में से किन गतिविधियों से कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है, तो आंसर बी होगा, पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रहा है तो वहाँ कार्य हो रहा है। कार्य शून्य होने की स्थिति में स्थापन द्वारा लगाए जाने वाला बल के बीच क्या होता है, 90° का कोण होता है, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर चलता है तो उसके बीच में 90° का कोण होना चाहिए, तब इस स्थिति में क्या होगा, कार्य का मान 0 होगा। ठीक है, एक कुली 100 मीटर की दूरी तय करने में 500 न्यूटन की भार उठाता है, उसके द्वारा कार्य क्या होगा, तो वर्क इजकल टू हो जाएगा FD cos θ, तो वहाँ वर्क का मान 0 हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मामले में कोई कार्य धनात्मक नहीं होता है? तो एक गधा पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, इस पर कोई कार्य नहीं होगा क्योंकि इसके बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। आज पूरा का पूरा तो दोस्तों, आज की क्लास कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज तक ही, जय हिंद जय भारत।